नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए, मैंने आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाया, तो एक बार आप मुझे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर बताइए। हाय, आई एम, आपका नाम बोलिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आई लिव इन, आपके गाँव का नाम बोलिए। माई हॉबीज आर, जो भी आपके शौक है वो बोलिए। यस फ्रेंड्स, अब मैंने आपको अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में भी सिखाया है ना? तो आप मुझे एक बार अपनी फैमिली डिटेल्स के बारे में बताइए। माई फैमिली डिटेल्स आर, माई ग्रैंड फादर्स नेम इज, अपने दादाजी का नाम बोलिए। माई ग्रैंड मदर्स नेम इज, अपनी दादी माँ का नाम बोलिए। माई फादर्स नेम इज, अपने पिताजी का नाम बोलिए। माई मदर्स नेम इज, अपनी माता जी का नाम बोलिए। माई एल्डर ब्रदर्स नेम इज, अपने बड़े भाई का नाम बोलिए। माई एल्डर सिस्टर्स नेम इज, अपनी बड़ी बहन का नाम बोलिए। माई यंगर ब्रदर्स नेम इज, अपने छोटे भाई का नाम बोलिए। माई यंगर सिस्टर्स नेम इज, अपनी छोटी बहन का नाम बोलिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमने सीखा कि हम हमारे दादाजी का नाम, दादी माँ का नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम और हमारे बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन, इनका नाम हम इंग्लिश में लोगों को कैसे बता सकते हैं। अब हम कुछ और नए रिश्तों को सीखते हैं कि उन रिश्तों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है, तो पत्नी को हम इंग्लिश में कहेंगे वाइफ। क्या कहेंगे? वाइफ, है ना? तो पत्नी का नाम अगर किसी भी व्यक्ति को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई वाइफ्स नेम इज। आप भी बोलिए मेरे साथ, माई वाइफ्स नेम इज और आपकी पत्नी का नाम, है ना? अच्छा, मान लीजिए आपके पति है, तो हम अपने पति का नाम लोगों को कैसे बताएंगे? तो पति को इंग्लिश में कहा जाता है हस्बैंड। क्या कहते हैं हम? हस्बैंड, है ना? तो हम हमारे हस्बैंड का नाम लोगों को कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे माई हस्बैंड्स नेम इज। बोलिए मेरे साथ, माई हस्बैंड्स नेम इज और आपके पति का नाम, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपकी सासू माँ का नाम आपको बताना है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सासू माँ को इंग्लिश में कहा क्या जाता है। तो सासू माँ को हम इंग्लिश में कहेंगे मदर इन लॉ। क्या कहेंगे? मदर इन लॉ, है ना? तो हम अपनी मदर इन लॉ का नाम कुछ इस तरह से लोगों को बताएंगे। हम कहेंगे माई मदर इन लॉज नेम इज और आपकी सासू माँ का नाम। माई मदर इन लॉज नेम इज और आपकी सासू माँ का नाम। चलिए, अब हमें हमारे ससुर जी का नाम लोगों को बताना है, तो ससुर जी को इंग्लिश में कहा जाता है फादर इन लॉ। क्या कहते हैं? फादर इन लॉ, है ना? तो हम हमारे फादर इन लॉ का नाम कुछ इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। हम कहेंगे माई फादर इन लॉज नेम इज और आपके ससुर जी का नाम। माई फादर इन लॉज नेम इज और आपके ससुर जी का नाम। चलिए, मान लीजिए अब आपका देवर है या आपका साला है ना? तो देवर और साले को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ। तो हम हमारे ब्रदर इन लॉ का नाम लोगों को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई ब्रदर इन लॉज नेम इज और आपके साले या आपके देवर का नाम। वापस एक बार बोलते हैं, माई ब्रदर इन लॉज नेम इज और आपके देवर या आपके साले का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपकी ननंद है या आपकी साली है, तो ननंद और साली को इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉ, है ना? तो हम हमारी सिस्टर इन लॉ का नाम लोगों को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई सिस्टर इन लॉज नेम इज और आपकी ननंद या साली का नाम। वापस एक बार बोलते हैं, माई सिस्टर इन लॉज नेम इज और आपकी ननंद या साली का नाम। ठीक है, अब मान लीजिए आपके चाचा, मामा या फुआ, इनका नाम हमें किसी को बताना है। तो चाचा, मामा और फुआ, इन तीनों को इंग्लिश में हम अंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकल। तो हम कहेंगे माई अंकल्स नेम इज और आप अपने यहाँ पे चाचा जी का नाम बोल सकते हैं, या तो मामा जी का नाम या तो फुआ जी का नाम, है ना? तो वापस एक बार बोलते हैं, माई अंकल्स नेम इज, आपके चाचा, मामा या फुआ का नाम।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपकी चाची, मासी या मामी बुआ है, तो चाची, मामी, मासी और बुआ, इन चारों को हम कहते हैं आंटी। क्या कहेंगे? आंटी, है ना। तो आंटी शब्द का उपयोग हम इंग्लिश में कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो हम कहेंगे माय आंटीज नेम इज, और आपकी चाची, मासी, मामी या बुआ का नाम आप यहाँ पे बोल सकते हैं। वापस एक बार बोलते हैं, माय आंटीज नेम इज, और आपकी चाची, मासी, मामी या बुआ का नाम। ठीक है। अब मान लीजिए आपके चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, मासी का लड़का है या बुआ का लड़का है, तो उसे हम कहते हैं कजिन ब्रदर। क्या कहते हैं? कजिन ब्रदर। तो इसका नाम हम लोगों को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माय कजिन ब्रदर्स नेम इज, और आपके चाचा, मामा, मासी और बुआ, इसके लड़के का नाम, है ना। वापस एक बार बोलते हैं, माय कजिन ब्रदर्स नेम इज, और आपके चाचा, मामा, मासी या आपकी बुआ के लड़के का नाम। चलिए अब हम सीखते हैं कि हम अपने चाचा की लड़की, मामा की लड़की, मासी की लड़की या बुआ की लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे कजिन सिस्टर। क्या कहेंगे? कजिन सिस्टर। तो मान लीजिए अगर हमें हमारी कजिन सिस्टर का नाम लोगों को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई कजिन सिस्टर्स नेम इज, और आपके चाचा, मामा, मासी या बुआ की लड़की का नाम। वापस एक बार बोलते हैं, माई कजिन सिस्टर्स नेम इज, और आपके चाचा, मामा, मासी या बुआ की लड़की का नाम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपका भतीजा है या आपका भांजा है, तो भतीजे या भांजे को हम इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। क्या कहते हैं? नेफ्यू, है ना। तो हम हमारे नेफ्यू का नाम लोगों को कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई नेफ्यूज नेम इज, और आपके भतीजे या भांजे का नाम। वापस एक बार, माई नेफ्यूज नेम इज, और आपके भतीजे या भांजे का नाम। चलिए अब आपकी भतीजी है मान लीजिए और भांजी है, तो भतीजी और भांजी को हम इंग्लिश में कहते हैं नीज। क्या कहेंगे? नीज, है ना। तो नीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो हम कह सकते हैं माई नीस नेम इज, आपकी भतीजी या भांजी का नाम। वापस एक बार बोलते हैं, माई नीस नेम इज, आपकी भतीजी या भांजी का नाम। अब मान लीजिए आपका पुत्र है, तो पुत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं सन। क्या कहते हैं? सन। तो हम अपने पुत्र का नाम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बताएंगे। हम कहेंगे माई सन्स नेम इज, और आपके पुत्र का नाम। माई सन्स नेम इज, और आपके पुत्र का नाम। ठीक है। पुत्री को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर। क्या कहते हैं? डॉटर, है ना। तो हम हमारे डॉटर यानी कि पुत्री का नाम इंग्लिश में कैसे बताएंगे? हम कहेंगे माई डॉटर्स नेम इज, और आपकी पुत्री का नाम। माई डॉटर्स नेम इज, और आपकी पुत्री का नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपका पोता है ना। तो पोते को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रैंड सन। क्या कहेंगे? ग्रैंड सन, है ना। तो इसका नाम हम कुछ इस तरह से लोगों को बताएंगे। हम कहेंगे माई ग्रैंड सन्स नेम इज, और आपके पोते का नाम। वापस एक बार बोलते हैं, माई ग्रैंड सन्स नेम इज, और आपके पोते का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपकी पोती है, तो पोती को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर। क्या कहते हैं? ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर का नाम हम कहेंगे माई ग्रैंड डॉटर्स नेम इज, और आपकी पोती का नाम। माई ग्रैंड डॉटर्स नेम इज, और आपकी पोती का नाम। ठीक है। अब मान लीजिए आपके सौतेले पिता है, तो कोई भी सौतेला होता है उसको हम बोलते हैं स्टेप। क्या बोलते हैं? स्टेप। अगर सौतेले पिता है तो उनको हम कहेंगे स्टेप फादर। क्या कहेंगे? स्टेप फादर। तो स्टेप फादर का नाम बताने के लिए हम बोलेंगे माई स्टेप फादर्स नेम इज, और आपके सौतेले पिता का नाम। वापस एक बार, माई स्टेप फादर्स नेम इज, और आपके सौतेले पिता का नाम। चलिए अब मान लीजिए आपकी सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ का नाम हम कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे सौतेली माँ को सबसे पहले इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप मदर। क्या कहते हैं? स्टेप मदर। तो हम बोलेंगे माई स्टेप मदर्स नेम इज, और आपकी सौतेली माँ का नाम। वापस एक बार बोलते हैं,
माई स्टेप मदर्स नेम इज, और आपकी सौतेली माँ का नाम है ना। चलिए अब मान लीजिए आपका सौतेला भाई है, तो सौतेले भाई को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप ब्रदर। क्या कहेंगे? स्टेप ब्रदर, है ना। तो स्टेप ब्रदर को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, हम कहेंगे माई स्टेप ब्रदर्स नेम इज, और आपके सौतेले भाई का नाम। माई स्टेप ब्रदर्स नेम इज, और आपके सौतेले भाई का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौतेली बहन को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप सिस्टर। क्या कहते हैं? स्टेप सिस्टर, है ना। तो स्टेप सिस्टर का नाम कुछ इस तरह से हम बोलेंगे, हम कहेंगे माई स्टेप सिस्टर्स नेम इज, और आपकी सौतेली बहन का नाम। माई स्टेप सिस्टर्स नेम इज, और आपकी सौतेली बहन का नाम। चलिए अब हमारे ससुराल को हम कहते हैं इन लॉज। जो हमारा ससुराल है या ससुराल के जो लोग हैं उनको हम इन लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन लॉज। इसका नाम हम नहीं बता सकते यहाँ पे, सिर्फ मैं आपको ये शब्द सिखा रहा हूँ कि इसको हम बोलते क्या है। तो ससुराल को हम कहते हैं इन लॉज, है ना। चलिए अब मान लीजिए अगर आप स्त्री है और आप शादीशुदा है और आप अपने मायके जा रही है, तो मायके को इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट्स होम। क्या कहेंगे? पेरेंट्स होम। तो मायके को इंग्लिश में कहा जाता है पेरेंट्स होम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम अपने रिश्तों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। आगे सीखने के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच इसे सीखने के लिए और देखने के लिए। और हाँ, इन सभी जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई आज, उसे आप नोटबुक में ज़रूर एक बार लिखिए, और लिखकर और आप खुद ही उसकी स्पेलिंग्स भी चेक करें, ताकि स्पेलिंग्स में भी आप कहीं गलती ना करें। अगर आपको हमारे मटेरियल की प्रिंटेड कॉपी की ज़रूरत है या इस वीडियो की DVDs की ज़रूरत है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9426870671। याद रखिए, इस मोबाइल नंबर के आगे आपको 0 लगाना है। अगर आप गुजरात के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो इस नंबर के आगे आप 0 लगाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है unique.songad@yahoo.com unique.songad@yahoo.com। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम।